Ladies and gentlemen, boys and girls. और भी ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और देख सकते हो कि सस्ते नशे करने की जरूरत है बॉडी को। अगर सस्ता नशा जाएगा तब भी हमारी बॉडी हिलेगी, नहीं तो नहीं हिलेगी। ओह शिट, एक बार फिर से हमारी बाइक गिर चुकी है। किलाड़, कल रात को हम किलाड़ में रुके थे और 8 बजे पहुंचे थे किलाड़ में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो। और नहा के अभी हम हो चुके हैं रेडी, और बस सामान पैक करना है और थोड़ी सी बाइक को चेक करवाना है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है बाइक में, क्योंकि अभी शॉप्स खुल गई होगी बाहर, तो एक बार बाइक को चेक करवाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है बाइक को। और जो हमने किलाड़ में रूम लिया, राज होटल है किलाड़ में, अगर आप किलाड़ आओगे तो सबसे पहले यही होटल आता है, राज होटल, तो आप यहाँ रुक सकते हो। वैसे तो हमने 1000 में रूम लिया था, और उसके बाद जब हमने रूम लिया उसके बाद रूम का प्राइस क्या हुआ, 2000 के ऊपर ही सारे रूम लगे इनके। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम 15 मिनट पहले आके हमने रूम ले लिया, उसके बाद सारे रूम बहुत बहुत ज़्यादा इनके महंगे ही लगे। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे होटल से, और वो जो आप सामने रोड देख रहे हो वहाँ से हम आए थे बिल्कुल सामने, और नीचे एक नदी चल रही है, इसको मैं प्यारी नदी नहीं बोलूँगा, बहुत डेंजर नदी है, देखने में ही ऊपर से ही ऐसे ही छोटी सी नज़र आती है, बहुत बड़ी है और बढ़िया व्यू है, जैसा भी है ठीक है बढ़िया है। लेकिन भाई साहब, जो इससे आगे जो हमारी जर्नी होने वाली है वो बेहद ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है, ये बात पक्की है, क्योंकि जैसे मैंने देखा है, फोटोज़ देखी है, वीडियोस देखी है, बहुत ज़्यादा डेंजर रोड है, तो आई थिंक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड में वो रोड आती है, किलड़ किश्तवाड़ वाली रोड। तो आज हम वहाँ से जाएंगे और देखते हैं, जल्दी जल्दी जहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम अभी काफ़ी हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड व्लॉग्स। आज हम निकल चुके हैं फिर से वादियों की सैर, और जे हसी वादियाँ, क्या बात है यार। तो हमारी बाइक अभी जा रही है किश्तवाड़ वाले रोड के ऊपर, ये बिल्कुल ही रास्ता कच्चा ही रास्ता है, बिल्कुल कच्चा रास्ता। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं क्योंकि हमें मैकेनिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैकेनिक आया 9:30 बजे, और फिर हम अभी निकलते निकलते 9:50 अभी हो चुके हैं। हमारे रूम के पास वाले रूम में एक कुछ राइडर्स थे, वो हमसे थोड़ी देर पहले निकले थे, जहाँ आपको गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो रोड मैंने अपनी लाइफ में फोटोज और वीडियोस में देखा था, आज उस रोड के ऊपर मेरी बाइक जा रही है। ये रास्ता है तो 120 किलोमीटर का ही, लेकिन भाई साहब
120 किलोमीटर मतलब सारा दिन। और जहाँ काम चल रहा है जहाँ पे रोड ब्लॉक होते रहते हैं, वैसे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड को थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जे भी कुछ डेंजरस नहीं रह जाएगा, कोई एडवेंचर इसमें भी ख़त्म हो ही जाएगा। आगे आगे गाड़ी जा रही है जो कि है स्विफ्ट। आज हमने कुछ खाया नहीं है, पता था 4-5 किलो मिट्टी खा जाएंगे इसीलिए कुछ खाया नहीं था। सो अभी हम कर रहे हैं एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अनमोल को ना, अनमोल को किसी गाड़ी में बिठा दूँ, जो रिलैक्स होके जाएगा आराम से। लेकिन जब मान नहीं रहा है मेरी बात को, बोल रहा है कि नहीं तुम अकेले क्यों एडवेंचर करोगे, मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर करूँगा। आज दूसरा दिन है जो कि हम लगातार ऑफ रोड करी जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लो भाई साहब, एक बार फिर से हमारी बाइक गिर चुकी है, अब इसको उठाना है। सो अभी जम्मू है, यहाँ से 323 किलोमीटर, उधमपुर है 258 किलोमीटर। ओके सर, तो यहाँ एक चेक पोस्ट आता है, जय हिमाचल का चेक पोस्ट है, इससे थोड़ी आगे ही और फिर चेक पोस्ट आएगा जे एंड का। क्या एक ब्रिज है हिमाचल प्रदेश। अभी मुझे लग रहा है कि हमने इधर नहीं आना, मम्मा उधर नहीं आना, मुझे जे एंड के में अभी हम एंटर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा
कोई गल नहीं भाई। अभी शुरू होता है असली एडवेंचर। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रोड है, बहुत ज़्यादा। यहाँ छोटी गाड़ी आप बिल्कुल भी मत लेके आना, नहीं तो वो तो अपना दम तोड़ जाएगी। भाई साहब देखो कितना ही ज़्यादा ऑफ रोड है। ये तो बद्री विशाल मंदिर को भी पीछे छोड़ गया ये रास्ता, सच्ची बोलूँ तो। भाई साहब बगीरा की तो आज बैंड बज गई पूरी। पीछे 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 मुझे नहीं लगता कि उनकी स्विफ्ट चढ़ पाएगी। अगर आप यहाँ आ रहे हो कम से कम 4x4 की गाड़ी लेके आना। ऊंचाई जा रही है, आधे से ज़्यादा तो एनर्जी कंज्यूम हो गई है, हो चुकी है। अच्छे दिन आएंगे। ओहो हो भाई साहब आगे ब्लास्ट चल रहा है, ब्लास्ट। कितनी आवाज गूंज रही है। सो अभी हम पहुंचे हैं इश्तियारी गांव में और आगे ब्लास्ट हो रहा है। तो इश्तियारी गांव जो है जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, आगे ब्लास्ट हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, आप देख सकते हो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। अभी रोड को करेंगे साफ, अभी लग जाएंगे, आधा घंटा लगेगा यहाँ पे कम से कम। और जे रास्ता जा रहा है किश्तवार, जो आप देख लो वहाँ पे जेड बना हुआ है, यही रास्ता है किश्तवार की ओर। और भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ही ये ब्लास्ट किया है। सो चाय हमारी आ चुकी है, सुबह की एक बार भी हमने चाय नहीं पी। बिस्किट वगैरह तो हमारे पास है ही, बिस्किट भी है, नमकीन भी है, लेकिन चाय हमारे पास नहीं थी। अभी हम एक यहाँ पे चाचा है, चाचा के पास हम चाय पी रहे हैं और चाचा ने चाय बना दी है, लेकिन पता नहीं कैसे बनाई है कैसे नहीं बनाई है। जैसे भी होगी हम पी लेंगे, क्योंकि सस्ते नशे करने की ज़रूरत है बॉडी को। अगर सस्ता नशा जाएगा तब भी हमारी बॉडी हिलेगी, नहीं तो नहीं हिलेगी और ना ही डलेगी। चाय गर्म गर्म चाय। अरे अभी रास्ता शायद खुल जाए, 15-20 मिनट और लगेंगे। खुल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:20। घर से एडवेंचर करने आए, एडवेंचर देखना तो पड़ेगा कैसा आता है। सो भाई साहब अभी करोड़ों सालों के बाद रास्ता खुल चुका है। ओए हवा देखियो भाई साहब क्या गंदा रोड है। ओ हो 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 ओ शिट, यहीं पे ब्लास्ट किया था पहले उन्होंने।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओहो, यहाँ का वाटरफॉल भी है। सो जो भाई लोग आए थे जम्मू से, भाई साहब क्या मिट्टी मिट्टी है यार, ओहो क्या ही खूबसूरत नजारे हैं यहाँ पे तो। बैठा रहा कुछ नहीं था। जय भोलेनाथ। Yes. So, अभी हमें पूरा यहाँ पे 2 घंटे लग गए। हुआ क्या, इतना टाइम नहीं लगना था। जेसीबी साफ कर रही थी, उसको पत्थर हटा रही थी और ऊपर से भाई साहब पत्थर गिर गए। मैं कहता हूँ कि इतनी मुश्किल बचा वो जेसीबी वाला लड़का, उसके पीछे उसका एक हेल्पर खड़ा था, उसके बेचारे के पाँव पे लग गई। इतना सारा पत्थर गिर गया, इतनी ज़्यादा आवाज़ आई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। सलूट है यार इनको भी, जो ये काम करते हैं जेसीबी। क्या ऑफ रोड है, ऐसी रोड पे यार मैंने आज तक कभी बाइक नहीं चलाई, ये भी एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है इस जगह पे बाइक चलाने का भी, ऐसे गंदी रोड पे वो भी। ओ भाई साहब, आपकी आंखों के सामने है वर्ल्ड की सबसे डेंजरस रोड में से एक रोड, किश्तवाड़ की। क्या बात है, बड़ा ट्रक तो वैसे भी नहीं यहाँ आ सकता है, छोटा ही ट्रक है।
साहब क्या डेंजर हो रहा है यार। ओहो आगे एक वाटरफॉल भी है। That's so beautiful and amazing view. Kitna hi beautiful view hai. Aur dekho waterfall, kitna hi pyara waterfall hai. Pahar dekho aap, ye pahar kitna hi vishal pahar hai. Aur bilkul yaar seedha pahar hai. Kya pahar hai, kya view hai guys, kya view hai. Aur upar se bhi wahan paani gir raha hai, mujhe lag raha hai hamare upar paani zarur girega. So अभी भी हमें बार क्रॉसिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। गाइस भी ये रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और देख सकते हो क्या ही रोड है यार, क्या ही रोड है। मुझे पहाड़ काट काट के रोड बना हुआ है। सर क्या हाल है, बढ़िया हो? ओके सर ओके। रुके हुए हैं, एक नदी है वहां रुके हुए हैं, आप पीछे देख सकते हो ये नदी आ रही है ऊपर से। और यहाँ हम रुक के फोटोशूट कर रहे हैं, फोटो जो है जो सब आपको मिलेगी इंस्टाग्राम आईडी पे, ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप फॉलो कर सकते हो। और क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पीछे देखो पूरी ग्रीनरी की ग्रीनरी है यहाँ पे। और अभी मैं हूँ कश्मीर में। ये दो दिन के बाद लगातार ऑफ रोडिंग करते करते हमें रोड मिल चुकी है, अच्छे वाली रोड मिल चुकी है हमें। कितनी खुशी हो रही है इस रोड को देख के। ओह माय गॉड। सो अभी पुलिस वाले अंकल पूछ रहे थे कहाँ से आ रहे हो, हमने बोला किलाड़ से, जाना कहाँ है, मैंने कहा जहाँ मंजिल ले जाएगी। वाह 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 वाह। ये नीचे है गुलाबगढ़,
ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों के बीच में, और नीचे गुलाबगढ़ कितना ही प्यारा लग रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ काफ़ी सुंदर शहर है, छोटा सा ही टाउन है लेकिन काफ़ी सुंदर है। क्यों, इसकी आँख देखो, कैसे इसकी आँख देखो, पूरी तरह से इतनी मोटी हो गई थी इसकी आँख, इतनी ज़्यादा देर टूट रही थी ना उस टाइम पे, तो इसकी आँख में चले गई, इसने ऐसे ऐसे कर दिया और इतनी मोटी हो गई इसकी आँख, इतनी मोटी। ये हम यहाँ रुक के कहीं ढाबे पे कुछ खाने के लिए रुके हैं, रोटी खाने के लिए रुके हैं, रोटी खा के फिर हम जाएंगे आगे किश्तवाड़ की ओर। वो खाना हमारा आ चुका है, राजमा और मिक्स वेज, साथ में प्लेन रोटी, इसको खाएंगे फिर यहाँ से जाएंगे। सो अभी हम गुलाबगढ़ से निकल चुके हैं, खाना खाया यहाँ पे, चौहान वैष्णो ढाबा था यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था ना, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही। और अभी जो एक ब्रिज क्रॉस करते हुए हम लोग, क्या बात है यार, लगता है जी नदी हमारे साथ साथ चलेगी किश्तवाड़ तक। किन्नौर जैसा बना हुआ है आगे रोड, क्या बात है यार, ये तो बहुत आगे की तरफ है पहाड़, पूरा पहाड़ काट के रोड बनी हुई है यार। सामने अभी किश्तवाड़ आ चुके हैं हम लोग। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं किश्तवाड़ में, और देखते हैं यहाँ, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे जाना है या यहीं पे रुकना है। होटल यहाँ पे कोई देखना पड़ेगा, सबसे पहले बनवाएंगे हम पेट्रोल, पेट्रोल गाइस। सो अभी हम पहुँच चुके हैं किश्तवाड़ में, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हमें जो रूम मिला है, कम से कम 4-5 होटल्स में हम घूम के आ गए, कहीं भी कोई रूम खाली नहीं था। टाइम हो चुका है 7:30, थोड़ा सा बाहर अभी रोशनी है, तो पहले हमने सोचा था अगर हमें रूम नहीं मिलता तो हम आगे जाएंगे, अगर रूम मिल गया तो फिर हम यहाँ रुक सकते हैं। क्यों मॉल, ये बॉयस आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह जल्दी उठ के देखेंगे फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अभी गाइस बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, 2 दिन हो गए हैं पूरे ऑफ रोड करते हुए, पूरे 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज़। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।